कोई भी ऐसी जा जाना चाहोगे ओके okay, इसके आपको दो स्टेटमेंट दी हुई है एक में और एक प्रेजेंट टेंस में दोनों का जो वर्जन है वो अलग अलग ही हुआ क्योंकि एक को पूरे में प्रेजेंट में बोलना है एक को आपको पूरे को फ्यूचर में बोलना है सो so, जो प्रेजेंट वाला है इसके बाद अपलोड हो जाएगा कहाँ so so uh, would लाइक टू गो there आप वहाँ कब जाना चाहोगे what यू वुड लाइक टू डू there आप वहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज करना पसंद करोगे एंड एक्सप्लेन you यू like टू गो टू दिस प्लेस और आपको इस प्लेस पे ही क्यों जाना है सो let's स्टॉक sample आंसर वेल डूइंग रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी वन लाइफ इन ऑर्डर टू फील प्रोडक्टिव कि रिलैक्सेशन वाली एक्टिविटीज़ करना आज कल कर हर किसी के लिए ज़रूरी है ताकि वो प्रोडक्टिव फील कर सके ओल दो आई हैव विजटेड अ नंबर ऑफ रिलैक्सिंग प्लेसिज थ्रू आउट माई लाइफ वैसे तो मैं बहुत सारे रिलैक्सेशन प्लेसिस पर गई हूँ लाइक रिक्रिएशनल सेंटर फॉर पार्कस एंड मैनी मो बट हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर आई वुड लव टू गो टू रिलैक्स बट मैं यहाँ एक पर्टिकुलर प्लेस की बात करना चाहूँगी जहाँ मैं जाना चाहूँगी रिलैक्स करने के लिए दिस प्लेस इज नन अदर देन अ पार्क कि मैं ये पार्क की बात कर रही हूँ मैं यहाँ द पार्क नेम इज़ नेचर पार्क और जो पार्क का नाम है वो नेचर पार्क है इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स लोकेशन अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूँ इट इज़ लोकेट इन हार्ट ऑफ माई सिटी ये मेरी सिटी की के हार्ट में लोकेटेड है I would like to go there next month. मैं वहाँ next month जाना चाहूँगी because at that time I would be free from my hectic schedule. क्योंकि उस time मैं अपने hectic schedule से free हो जाऊँगी and I would go there twice a day. और मैं दो बार जाना पसंद करूँगी once in the morning and once in the evening. एक बार सुबह और एक बार शाम को इफ़ आई टोक अबाउट द एक्टिविटीज आई वॉन्ट टू डू देयर अगर मैं एक्टिविटीज की बात करूँ कि मैं वहाँ क्या करना चाहती हूँ देर आर सो मैनी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज द मॉर्निंग वॉक सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग वॉक एज दिस प्लेस एज अक रनिंग ट्रैक क्योंकि इस प्लेस पर ना एक यूनिक रनिंग ट्रैक है विद अ मेजर टू काउंट द माइल जिससे और एक फैसिलिटी भी है कि मैं अपने माइल्स भी काउंट कर सकती हूँ कि मैंने कितने माइल्स कवर किया है सो इट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर मी तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा द सेकेंड एक्टिविटी इज़ योगा एंड मेडिटेशन अगर दूसरी एक्टिविटी की बात करूँ तो वो है योगा एंड मेडिटेशन इन द इवनिंग विद माई नियर एंड डियर अपने जो फ्रेंड्स के साथ एज दे आर एक्सपर्ट्स एट इट क्योंकि वो इसमें योगा और मेडिटेशन में काफ़ी एक्सपर्ट हैं वेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ वाई आई वुड लाइक टू गो टू दिस प्लेस की अगर इस क्वेश्चन की बात आती है कि मैं इसी प्लेस पर जाना क्यों पसंद करूँगी दिस लोकेशन इज सराउंड बाई ग्रीनरी क्योंकि ये लोकेशन ग्रीनरीज इज सराउंड है विच हेल्स में इनहेल फ्रेश एयर जिससे मैं फ्रेश एयर को इनहेल कर सकती हूँ आप यहाँ पर ये भी मैंशन करते हो एज एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटी इज ओवर क्राउडेड सो आई फाइंड दिस प्लेस मोर पीसफुल एज कम्पेयर टू अदर एरियाज ये भी है मोर ओवर इट वुड वु प्रोवाइड मी विद अ चांस टू मीट डिफरेंट पर्सनैलिटीज फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड कि इससे मेरे को मौका भी मिलेगा कि मैं अलग अलग टाइप के लोगों से अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिल सकूंगी सो ऑल इन ऑल दिस इज अ अट वेयर आई विश टू गो फॉर रिलैक्सेशन इन द नियर फ्यूचर तो ये वाली स्पॉट है ये वाली लोकेशन है जहां मैं फ्यूचर में जाना चाहती हूँ सो इफ यू आर न्यू देन मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल So, thank, that's the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.